रोज रोज टीवी पर अपने फेवरेट स्टार्स को देखकर लोगों को आदत सी हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि अचानक से शो में उनके एक्टर्स को रिप्लेस करना पड़ा। जबकि देखने वाली बात यह रही कि इनके शो से जाने के बाद भी शो की पॉपुलैरिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो आइए आपको बताते हैं टीवी के उन शोज के बारे में जिनके पॉपुलर किरदार एक दो नहीं बल्कि तीन एक्टर्स ने निभाए। नंबर एक, डॉक्टर रिद्धिमा, शो दिल मिल गए। दिल मिल गए अपने वक्त के सबसे पॉपुलर शोज में से एक रहा है। इस शो में डॉक्टर रिद्धिमा के किरदार को तीन अलग अलग एक्ट्रेसेस ने निभाया। सबसे पहले किरदार में टीवी एक्ट्रेस शिल्पा आनंद नजर आईं। शिल्पा के बाद सुकृति कांडपाल और फिर जेनिफर विंगेट ने ये किरदार निभाया। नंबर दो, मिहिर वीरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर वीरानी का किरदार भी तीन एक्टर्स ने निभाया। सबसे पहले टीवी एक्टर अमर उपाध्याय मिहिर बने। अमर के बाद बॉलीवुड एक्टर इंदर कुमार उनकी जगह आए। फिर आखिर में मिहिर के रोल में रौनक रॉय नजर आए। नंबर तीन, ऋचा ठकराल, शो परिचय। कलर्स टीवी के इस पॉपुलर शो में ऋचा ठकराल का किरदार नेगेटिव था। इस किरदार को सबसे पहले टीवी एक्ट्रेस मधुरिमा तुली ने निभाया। मधुरिमा के अचानक छोड़ने के बाद एक्ट्रेस मोना बासु शो में आई और उनके बाद सोनिया सिंह ने इस किरदार को निभाया। नंबर चार, पार्वती, देवों के देव महादेव। इस शो में माँ पार्वती के किरदार में तीन अलग अलग एक्ट्रेसेस नजर आईं। सबसे पहले एक्ट्रेस सोनालिका भदौरिया पार्वती बनी और फिर बाद में एक्ट्रेस पूजा बोस और फिर उनके बाद सुहासी गोर्दिया धामी ने इस किरदार को निभाया। नंबर पाँच, रानी परी, शो बालवीर। टीवी का ये किरदार बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर है। सबसे पहले टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने रानी परी का किरदार निभाया। उनके बाद टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस श्रुति सेठ शो में आई और फिर सुदीपा सिंह ने इस किरदार को निभाया।